दूसरे सीमेंट शहरों ने भी लगाई दौड़। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च के दम पर ओएमसीज ने लगाई दौड़। सऊदी अरब से लोकल करेंसी में डील हुई तो ओएमसीज को हो सकता है बड़ा फायदा। सऊदी ने अमेरिका के साथ रिन्यू नहीं की 50 साल पुरानी पेट्रो डॉलर डील। पीएसई इंडेक्स में लगातार आठवें दिन तेजी। एलआईसी, बीईएल, गेल और एचएल 2% ऊपर। रफ्तार में रेलवे स्टॉक्स, टीटागढ़ रेल राइज, करनेक्स माइक्रो, टेक्स मैको रेल 1-4% मजबूत। रियल्टी शेयरों में बढ़िया तेजी। प्रेस्टीज एस्टेट्स 5% उछलकर लाइफ हाई पर, तो डीएलएफ, शोभा, एनबीसीसी, महिंद्रा लाइफ भी 1-4% मजबूत। लेकिन आईटी शेयरों में बिकवाली का दबाव। एचसीएल टेक, टीसीएस टेक, महिंद्रा, विप्रो 1% गिरकर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। इंफेसिस, वायदा के कमजोर शेयरों में शामिल। और सूत्रों के मुताबिक 22 जुलाई को पेश होगा बजट। 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारे रडार पर है टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। कंपनी के मौजूदा कारोबार ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए कंपनी के सीईओ शुजाउल रहमान सर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले कि हम रहमान सर के साथ बातचीत की शुरुआत करें, बाजार का मूड मिजाज कैसा है जान लेते हैं। जानवी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी है। जानवी, मॉर्निंग एक और दिन जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, तो कहां एक्शन है, कैसा एक्शन है, ये सपोर्ट कहां से मिल रहा है? गुड आफ्टरनून मैम। सो इनिशियल हिकअप्स के बाद जो रिकवरी आई है बाजार में, उससे बाजार सस्टेन करता हुआ दिखा है। अब निफ्टी 50 अंक ऊपर होते हुए लगभग 1.5% तक तेजी दिखाता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी में भी लगभग 150 पॉइंट्स की तेजी आती हुई दिखी है। 50,000 के लेवल के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। और सेंसेक्स में भी 100 पॉइंट्स की तेजी आती हुई दिखी है। लगभग 0.5% तक की तेजी है सेंसेक्स में भी। अगर ये सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी में सपोर्ट आ रहा है अपने एशियन अडानी पोर्ट्स से। जो एक दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है उसके दम पर अडानी पोर्ट्स में तेजी आती हुई दिखी है। श्रीराम फाइनेंस में आज सुबह हमने देखा था कि श्रीराम फाइनेंस में कुछ बड़े सौदे होते हुए दिखे थे, उसके दम पर श्रीराम फाइनेंस में भी लगभग 2% की तेजी आती हुई दिखी है। ग्रसीम में भी बाकी सीमेंट शेयरों की तरह अच्छी खासी तेजी है। और M&M में जो इन्वेस्टर डे चल रहा है महिंद्रा ग्रुप का, उसके बाद जो दमदार पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है वहां से M&M में भी अच्छी खासी तेजी आती हुई दिख रही है। अगर लूजर्स की बात करें तो एक इकलौता इंडेक्स है निफ्टी आईटी इंडेक्स, जो एक पूरा लूजर है मेटल्स पे। तो उस हिसाब से देखें तो HCL टेक, TCS, विप्रो और टेक महिंद्रा, इन काउंटर्स में गिरावट आती हुई दिख रही है और निफ्टी पे ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉक्स इन न्यूज़ की बात करें तो अंबुजा सीमेंट, जो पेना इंडस्ट्रीज का उन्होंने अधिग्रहण किया है, उसके दम पे स्टॉक में लगभग 2.5% की तेजी आती हुई दिखी है। नैलको, ओडिशा सरकार के साथ जो उन्होंने माइनिंग लीज को एग्जीक्यूट किया है, उसके दम पे स्टॉक में लगभग 4.5% की तेजी आती हुई दिख रही है। सुवेन फार्मा में भी जो CDMO कारोबार के लिए उन्होंने जो कंपनी का अधिग्रहण में कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है, उसके बाद सुवेन फार्मा में भी अच्छी खासी तेजी आती हुई दिख रही है। और लास्ट में L&T फाइनेंस, जो कल हुई ब्लॉक डील के बाद जो बायर्स के नाम आए हैं उनमें कई बड़े FII बायर्स ने खरीदा है, और साथ ही साथ प्रमोटर L&T ने भी कंपनी में स्टेक खरीदा है। तो उसके दम पे आज L&T फाइनेंस में भी लगभग 4% की तेजी आती हुई दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप गेनर्स की बात करें तो जैसे मैं सीमेंट शेयर में अच्छी खासी तेजी है, वैसे पेपर पूरा एक पैक है जिसमें अच्छी खासी तेजी आती हुई दिख रही है। जेके पेपर में भी लगभग 9% तक की तेजी है। BML अलॉन्ग विथ ऑल द सारे डिफेंस शेयर्स के साथ BML में भी अच्छी खासी तेजी चल रही है। EIH एसोसिएटेड बोर्ड मीटिंग के पहले बोनस शेयर के लिए स्टॉक में अच्छा रनअप आते हुए दिख रहा है। और इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल्स, उसमें भी उस काउंटर में भी लगभग 7% तक की तेजी आती हुई दिख रही है। अगर लूजर्स की बात करें ओवरऑल तो ला ओपाला, रेडिंगटन, वीमार्ट और सौराष्ट्र सीमेंट, ये कुछ काउंटर्स है जिसमें गिरावट आती हुई दिख रही है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स बहुत सारे और इंडिसीज भी काफी सारे हैं जो यहाँ मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम देख ही रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस है, वो लगातार यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करता दिख रहा है। थैंक यू जानवी पूरी डिटेल के लिए। लेकिन आइए कॉर्पोरेट रडार की तरफ लौटते हैं और अब बात करते हैं 1976 में शुरू हुई गरवारे टेक्निकल की। अब 8,400 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये जो गरवारे टेक्निकल फाइबर है, ये हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर रोव, फिशिंग नेट, स्पोर्ट्स नेट, एग्रीकल्चरल केजेस है। इसके अलावा बहुत तरह
तरह के प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। अब मैनेजमेंट से हम मौजूदा डिमांड ट्रेंड पे बात करेंगे, क्या नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, विस्तार योजनाएं क्या हैं, सब पर बात करने के लिए आइए जोड़ते हैं कंपनी के सीईओ शुजाउल रहमान सर हमारे साथ अब शो में शामिल हो चुके हैं। रहमान सर गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर सबसे पहले तो बहुत बढ़िया FY24 आपके लिए साबित हुआ है, अब इस वित्त वर्ष से आपकी क्या उम्मीदें हैं, डोमेस्टिक ग्लोबल डिमांड कैसी दिखाई दे रही है? धन्यवाद नेहा जी आपने आमंत्रित किया अपने शो पे। हाँ लास्ट ईयर हमारा अच्छा गया, 21% का प्रॉफिट ग्रोथ आया, पहली बार कंपनी ने 200 करोड़ का पैट क्रॉस किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और अर्निंग पर शेयर भी हमारा पहली बार 100 रुपीज पर शेयर क्रॉस किया, हमारा काफी माइलस्टोन ईयर रहा लास्ट। ये साल की भी शुरुआत अभी अच्छी है, हमारे जो भी 3-4 की स्ट्रेटेजिक पिवट्स है उन पर ही हम काम कर रहे हैं, एक्वाकल्चर है चाहे वो सैल्मन हो चाहे नॉन सैल्मन हो हमारा फोकस रहेगा, डोमेस्टिक बिजनेस में हम काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं उसका रिजल्ट हमको अच्छा मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जियो सिंथेटिक हमारा अच्छा चल रहा है, वो बिजनेस ओवरऑल अभी भी अच्छा है, ऑर्डर बुक उसकी अच्छी है, ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों फिशिंग बिजनेस में क्योंकि फूड रिलेटेड है उसमें डिमांड का इम्पैक्ट नहीं है, और ओवरऑल स्पोर्ट्स सेगमेंट जो कि इंटरनेशनल बिजनेस ज्यादा बड़ा है वो भी अच्छा है, तो सारे सेगमेंट हमारे अच्छे कर रहे हैं। ओवरऑल हमारा 60% बिजनेस करीब फूड रिलेटेड आइटम से आता है, इसमें इतना डिमांड का फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो हमारा आउटलुक ओवरऑल अच्छा। तो सर फोकस एरिया क्या रहेगा, ये आपका फूड सेगमेंट ही फोकस एरिया है या अब आप अपना जो फोकस है वो किसी और क्षेत्र में भी बढ़ाएंगे? नहीं, 60% हमारा फूड से आता है और इंटरनेशनल बिजनेस भी हमारा 40% डोमेस्टिक, तो हमारा फोकस बेसिकली मैंने बताया चार सेगमेंट में हमारा फोकस रहेगा। एक्वाकल्चर में सैल्मन एक्वाकल्चर में हम काफी बड़े प्लेयर हैं, तो उसमें हमारा लास्ट ईयर Q4 में नॉर्वे और नॉर्थ यूरोप और चिले से बहुत अच्छे ऑर्डर बुक आए जिससे हमारा मार्जिन इंप्रूव हुआ, आपने देखा होगा हमारा EBITDA मार्जिन लास्ट ईयर 24% रहा जो कि हाईएस्ट एवर है, एक्चुअली Q4 मार्जिन 27% था, आल्सो हाईएस्ट एवर फॉर अ क्वार्टर, तो ये हमको फायदा मिला इन मार्केट से। और नॉन सैल्मन जो कि बहुत बड़ी सेगमेंट है, सारे कंट्रीज की फार्मिंग होती है, फिश फार्मिंग होती है चाहे मिडिल ईस्ट हो चाहे अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका, वहां पर हमने एक्सपेंशन प्लान रखा है न्यू कस्टमर एक्विजिशन का, उसमें हम ग्रो कर रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी है। जियो सिंथेटिक में इंडिया में और बाहर एक्सपोर्ट में दोनों में हमारा एक्सपेंशन का एजेंडा, लास्ट ईयर जियो सिंथेटिक बिजनेस बहुत अच्छा किया और हम उसमें अभी भी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, उम्मीद हम देख रहे हैं। स्पोर्ट्स इतना म्यूटेड था लास्ट ईयर, स्पेशली हमारा स्पोर्ट्स बिजनेस यूरोप और अमेरिका से होता है, थोड़ा वहां पर म्यूटेड डिमांड थी, कुछ इन्वेंट्री हाई थी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्योंकि नॉर्मलाइज हो रही है, उसमें भी हमको ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों फिशिंग बिजनेस में लास्ट ईयर अच्छा रहा और इस साल भी हमारा ओवरऑल आउटलुक अच्छा, तो ये चार से पांच सेगमेंट हमारे हैं जिसमें हमारा फोकस है और इन जो हम ड्राइव कर रहे हैं। ओके सर, गोइंग फॉरवर्ड आपने कुछ एक्सपोर्टिंग क्लाइंट्स तो अपने बता दिए, ये कुछ और ज्योग्राफीज हैं जिसमें एक्सपैंड करने का इरादा है सर, कोई ऐसे कंट्रीज हैं या क्लाइंट्स हैं जिनके साथ अब इस साल के लिए बातचीत चल रही है? देखिए हम सैल्मन फार्मिंग जहां पर हम बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़ा सेगमेंट है, वहां पर हम नॉर्वे मार्केट में कस्टमर एक्विजिशन को फोकस कर रहे हैं और कुछ बड़े कस्टमर से हमारी बातचीत चल रही है जहां पर हम डायरेक्ट मार्केट में एक्सेस किया हमने लास्ट ईयर क्वार्टर फोर में, पहले हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू जाते थे तो हम डायरेक्ट कस्टमर से बात कर रहे हैं और 2-3 कस्टमर से बात हो रही है, अदर देन नॉर्वे ऑल्सो नॉर्दर्न यूरोप में अदर जो अदर कंट्रीज है वहां पर हम काफी स्कॉटलैंड और अदर कंट्रीज से काफी अच्छी ऑर्डर बुक आ रही है, तो ये कस्टमर एक्सपेंशन हमारा हमेशा चलता रहता है। स्पोर्ट्स में भी साउथ यूरोप में हम थोड़े वीक हैं तो वहां पर एक्सपेंशन की ड्राइव चल रही है, कस्टमर एक्विजिशन की बातें चल रही है, तो ओवरऑल कस्टमर पे एक्विजिशन और ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हमारा हमेशा रहता है। नॉन सेलमन जैसे मैंने बताया वो किसी बहुत कंट्रीज में फार्मिंग हो रही है, मिडिल ईस्ट काफी ग्रोथ है, अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर हमारी टीम ड्राइव कर रही है नए कस्टमर एक्वायर करने की नॉन सेलमन से, हमारा इनिशिएटिव रहता है हमेशा एक्सपेंशन का, मार्केट एक्सपेंशन और कस्टमर एक्सपेंशन। ओके ऑलरेडी चल रहा है। जी 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 रहमान सर, अगर आप हमें बता सकें कि इस वित्त वर्ष में कोई नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं जो हमें देखने को मिलेंगे? ठीक है, हमारा 25-30% बिजनेस जो है न्यू प्रोडक्ट से आता है। ओके जो हम हमारी न्यू प्रोडक्ट डेफिनेशन है जो लास्ट 3 ईयर में लॉन्च किए हैं, तो हमेशा हम न्यू प्रोडक्ट पे फोकस करते रहते हैं, हमारा करीब 75 पेटेंट्स हमने अप्लाई किए हैं, हम हमेशा इनोवेशन पे ध्यान देते हैं और न्यू प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट दें जो कि उसको वैल्यू प्रोपोजिशन मिले, उसका पे बैक मिले, तो कई प्रोडक्ट्स ट्रायल चल रहे हैं चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो कल्चर हो चाहे जियो,
हर सेगमेंट से हमारा ट्रायल चल रहे हैं प्रोडक्ट्स के, और जैसे बताया 25-30% हमारे हमेशा हमारा एम रहता है न्यू प्रोडक्ट्स। तो ऐसा होता है कि 3 साल के बाद हम न्यू प्रोडक्ट को डिस्काउंट नहीं करते, नए प्रोडक्ट हमको लॉन्च करना होता है, हम हमेशा इंटरनल प्रेशर रखते हैं कि इनोवेशन। ओके सर, एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स बढ़ाने का कोई इरादा है सर? उसके लिए कोई अलग से फंड्स आपने रखे हैं, क्या इरादा है उसको लेके? हमारे एडवर्टाइजिंग स्पेंड हम डिजिटल में काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं इस साल, डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल दोनों में डिजिटल की काफी बड़ी ट्राइव चल रही है। हमारा मोस्टली B2B सेल है, तो एग्जीबिशन है, डिजिटल मार्केटिंग, इस पे फोकस रहते हैं। इस साल हमने काफी एक्सपेंडिचर बढ़ाने की कोशिश की है, तो और हमारा एक और एक्सपेंशन का रहता है टीम एक्सपेंशन। तो हमने कई कंट्रीज में इंडिया के बाहर भी हमने हायर की, लोकल हायरिंग करी है, इस तरीके से हम एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट सर, अभी कंपनी का मार्केट शेयर क्या है और इस वित्त वर्ष के लिए कोई टारगेट रखा है? देखिए हम क्योंकि कई सेगमेंट से काम करते हैं तो मार्केट शेयर एग्जैक्ट बताना मुश्किल होगा, लेकिन सैलमन में हम बता सकते हैं ग्लोबली हमारा 35-40% मार्केट शेयर है ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे। तो उसमें हमें हमेशा हमारा प्लान रहता है एक्सपेंशन का, कोशिश करेंगे इस बार 3-4% मार्केट शेयर ग्रो करें। और नॉन सैलमन में क्योंकि हमने अभी एंट्री की है वहां पर काफी लोकल प्लेयर्स हैं, उनसे एक्वायर करेंगे मार्केट शेयर एक्वायर करेंगे। तो ओवरऑल जैसे बताया मार्केट शेयर और एक्सपेंशन और एक्विजिशन कस्टमर एक्विजिशन हमारा हमेशा एजेंडा रहता है, इस साल भी है और हम काफी प्लान बना के स्ट्रेटेजी उसको इम्प्लीमेंट। वेरी वेल, चलिए इसी नोट पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर भी चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए, देखते रहिए जी बिजनेस। Introducing Dish TV Smart Plus. अब Dish TV और D2H connection में मिले TV और OTT दोनों at no extra cost. It's too good to be true. सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे, एडवांस्ड वाई रिब्ड सुपर शक्ति TMT बार हर निर्माण को बनाता है सुपर स्ट्रॉन्ग।
इंट्रोड्यूसिंग डिश टीवी स्मार्ट प्लस अब डिश टीवी और डीटूएच कनेक्शन में मिले टीवी और ओटीटी दोनों एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट इट्स टू गुड टू बी ट्रू वेलकम बैक गरवारे टेक्निकल फाइबर्स का मैनेजमेंट हमारे साथ है रहमान सर अगर आप बता सके कंपनी इस समय कितने कैपेसिटी लेवल्स पर ऑपरेट कर रही है यूटिलाइजेशन लेवल्स क्या है सर नॉर्मली हमारा 70-80% यूटिलाइजेशन लेवल रहता है अभी भी उतना ही है लेकिन रिसेंटली हमने कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में सोचा है ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया है थोड़ी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि ऑर्डर बुक हमारी आगे अच्छी रहेगी और हम कैपेसिटी एक्सपेंशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ओके सर इसकी केपेक्स की थोड़ा सा डिटेल्स देंगे सर कहाँ कैसी कितनी इस वित्त वर्ष में दिखेगी 50-60 crore का केपेक्स हम इस साल इन्वेस्ट करेंगे ये हमारी कैपेसिटी नॉर्मली मॉड्यूलर होती है तो जिस सेक्शन में उनको लगता है कि कंस्ट्रेंट है वहां पर हम इन्वेस्ट कर हम कुछ मशीन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारी कैपेसिटी बढ़ सके ओके सर कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ आप होते देख रहे हैं कोई एक्विजिशंस हैं जो पाइपलाइन में हैं जो इस साल आप एग्जीक्यूट करेंगे इनऑर्गेनिक में हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं हमारा प्लान हमेशा रहा है इंडिया के बाहर अक्वायर करने का लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है डिस्कशंस हो रहे हैं अभी भी हो रहे हैं बट स्ट्रेटेजिक फिट होना चाहिए हमारे लिए सही बिजनेस होना चाहिए जिसको हमें लगे कि हम बढ़ा सकते अभी ऐसा कुछ पाइपलाइन में नहीं है बट डिस्कशंस रहते हैं हमेशा अभी भी डिस्कशंस ओके बट हमारा फोकस है उस पे एक्विजिशन ऑलराइट रहमान सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी डिटेल अपडेट कंपनी के ग्रोथ आउटलुक और विस्तार की योजनाओं पर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो को हम यहीं रैप अप करते हैं लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा Introducing Dish TV Smart Plus. Ab Dish TV aur D2H connection mein mile TV aur OTT dono at no extra cost. It's too good to be true. सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे एडवांस्ड वाई रिब सुपर शक्ति टीएमटी बार हर निर्माण को बनाता है सुपर स्ट्रॉन्ग
प्रस्तुत करता पतंजलि दंतकांति फ्रेश एक्टिव जेल एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। प्रायोजक धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300300 पतंजलि दंतकांति ट्रुथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द बैंकर टू एवरी इंडियन सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग। पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल एवं शैम्पू अब बालों का टूटना मना है। स्टेरिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन क्वालिटी मेडिसिन स्टेरिस क्वालिटी दैट यू कैन ट्रस्ट। अच्छी खरीदारी के साथ दिन की ऊंचाई के करीब बाजार निफ्टी 50 अंक चढ़कर 30,450 के पास। सेंसेक्स अंक भागा। आईटी को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स में हरियाली। बैंक निफ्टी 100 अंक चढ़कर 49,950 के पास। इंडसइंड एक्सिस एचडीएफसी बैंक और पीएनबी से सपोर्ट। मिडोस स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार 8वें दिन तेजी के साथ लाइफ हाई पर। वायदा के टॉप गेनर्स डिक्सन टेक 5% उछलकर शिखर पर। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा केस इंटरनेशनल और एलएनटी फाइनेंस भी दौड़े। पेना सीमेंट के अधिग्रहण के ऐलान से अंबुजा सीमेंट में तेजी। ग्रासिम निफ्टी के टॉप गेनर्स में तो एसीसी समेत दूसरे सीमेंट शेयरों ने भी लगाई दौड़। जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव रिसर्च के दम पर ऑयल मार्केटिंग ने लगाई दौड़। सऊदी अरब से लोकल करेंसी में डील हुई तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हो सकता है बड़ा फायदा। सऊदी ने अमेरिका के साथ रिन्यू नहीं किया 50 साल पुराना पेट्रोडॉलर डील। पीसी इंडेक्स में लगातार 8वें दिन तेजी। एलआईसी बीएल गेल और एचएल 1.5 से 2% ऊपर। रफ्तार में रेलवे शेयर टीटागढ़ रेल राइट्स कर्मैक्स माइक्रो और टेक्समैको रेल।